देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन देश भर में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के पूर्व बड़ी संख्या में सार्वजनिक रूप से रावण के विशालकाय पुतलों का दहन भी होगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में अनेक स्थानों पर वृहद दशहरा उत्सव आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के चिमनबाग मैदान पर दशहरा उत्सव समिति चिमनबाग द्वारा 101 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जा रहा है। रावण दहन समिति के अध्यक्ष अनिल यादव एवं संयोजक अरविंद यादव ने बताया कि यहां रावण दहन के पूर्व खास बात यह होगी कि रावण का हर सिर धड़ से अलग होगा। इसके पूर्व रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी। हनुमान जी द्वारा लंका का दहन भी होगा। यहां पर रावण दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में शहर के लोग उपस्थित होते हैं। आयोजन की जानकारी देते हुए अनिल यादव एवं अरविंद यादव ने बताया कि चिमनबाग मैदान पर दशहरा उत्सव का यह 49वां वर्ष है। यहां पर दशहरा उत्सव की शुरुआत पूर्व विधायक कन्हैयालाल यादव द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय मेल क्षेत्र के लोगों को दशहरे पर रावण दहन देखने के लिए एवं दशहरा मिलन के लिए दशहरा मैदान अन्नपूर्णा के पास तक जाना पड़ता था। इसके लिए लोगों को पैसा भी खर्च करना पड़ता था तथा कई लोग तो बच्चों को लेकर परिवार सहित साइकिल पर भी जाते थे। श्रमिक क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्हें यहीं पर इसी क्षेत्र में रावण दहन एवं दशहरा मिलन की सुविधा प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री कन्हैयालाल यादव द्वारा यहां पर रावण दहन की परंपरा को छोटे रूप से शुरू किया गया था, जो कि आज विशाल रूप ले चुकी है। इस वर्ष भी आयोजन को लेकर खासी तैयारी की जा रही है। यहां पर रावण दहन मंगलवार रात्रि ठीक 8 बजे होगा। यादव जी, अपना चिमनबाग मैदान पर हर वर्ष जो रावण दहन होता है, कौन सी समिति के माध्यम से होता है, और इस बार कितने फिट का रावण है और कितने फिट की लंका यहाँ पे बनाई जा रही है? दशहरा उत्सव समिति चिमनबाग मैदान पर इस वर्ष 101 फीट लंबे रावण का निर्माण किया गया है एवं 250 फीट लंबी लंका का निर्माण किया गया है। यहाँ पर रात्रि के ठीक 8 बजे दशानंद के 10 शीश एक एक करके अलग होंगे जब अग्नि प्रवेश की जाएगी, और जो लंका बनी हुई है जब इसमें पवन पुत्र हनुमान अपनी पूंछ के माध्यम से अग्नि प्रवेश करेंगे तो ये स्वर्णिम लंका के रूप में दिखाई देगी और स्वर्ण रूप धारण करेगी। उसके पहले इस चिमनबाग मैदान पर आकर्षक आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है, और एक बानर सेना के साथ में पवन पुत्र हनुमान अपनी शोभा यात्रा के साथ इस मैदान के अंदर पधारते हैं, और फिर रावण की सेना और हनुमान के बीच में युद्ध का चित्रण होता है, दिखाया जाता है, और उसके बाद में पवन पुत्र हनुमान दोनों इसके अंदर अग्नि प्रवेश करके और कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। इस दशहरा उत्सव समिति के संयोजक हैं अरविंद यादव और समिति के अध्यक्ष हैं अनिल यादव एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे, बड़ी संख्या में दर्शक इस मैदान पर आते हैं, एक इंदौर में मध्य क्षेत्र है, किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर संचालित की जाती है दर्शक? श्रमिक क्षेत्र से पूर्व में पहले आज से करीब 49 वर्षों से यहाँ पे दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। दशहरा उत्सव की खासियत ये रही है, यहाँ श्रमिक क्षेत्र हुआ करता था, मील क्षेत्र, तो गरीब जनता को यहाँ से दशहरा मैदान पर जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो उस समय पे विधायक श्री कन्हैयालाल जी यादव इस क्षेत्र के हुआ करते थे, तो उन्होंने एक छोटे से रूप में इसको प्रारंभ किया था कि पब्लिक को, उस समय इतने साधन भी नहीं थे कि दशहरा मैदान तक जाएं, लोग बाग पैदल जाया करते थे, साइकिलों से जाया करते थे, और वाहन के अंदर जो खर्चा टेम्पो से जाते थे तो वो पैसा भी नहीं हुआ करता था। इसलिए मील क्षेत्र के अंदर, इंदौर शहर के अंदर एक मध्य क्षेत्र में इस मैदान के ऊपर दशहरा उत्सव समिति के माध्यम से छोटे से रूप से प्रारंभ किया था। आज जो ये है, 49वां वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और एक विशाल रूप धारण किया है। हजारों की तादाद में दर्शनालय अभी आते हैं, धर्म प्रेमी जनता आती है और इसमें सहयोग अपनी पूर्ण व्यवस्था बना के यहाँ पर आकर्षक आतिशबाजी का एवं रावण एवं लंका का दहन का उत्सव मनाया जाता है। ये बुराई का प्रतीक के रूप में यह रावण का दहन किया जाता है। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।
नमस्कार, मैं आशुतोष राणा, HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।